अपने दिन की शुरुआत की हमने अपने प्राइवेट पूल को एंजॉय करते हुए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है हमारा आखिरी दिन इन करावी। अभी बहुत बढ़िया साथ में पूल में टाइम स्पेंड करने के बाद। सो चेकआउट टाइम नाउ। हम निकल रहे हैं वापस फुकेत के लिए एंड टुडे बीइंग ए फेस्टिव डे यहाँ पे। ओ प्रेटी लेडी, उसमें बैठने का जगह है। चलो भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हिप हिप। तो ये होने वाली है हमारी राइड। 3 घंटे का सफर है यहाँ से करावी से फुकेत तक का। गाड़ियाँ बहुत ही क्लासिक होती है यार, इनका कोई ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ना मात्र है। खैर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है, रास्ते भी अच्छे हैं, बिल्कुल ब्लैक शीशे। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो हेलो, पुलकित उसको लेने गया है, गाड़ी भेजा है उसको लेने गया है। यो यो पार्टी पार्टी, गियर देखना यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब स्मूथ ड्राइव का एक्सपीरियंस आपको मिलता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए रुके हैं, अभी पेट्रोल पंप ही है बट यहाँ पे क्लीन वॉशरूम एंड थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का मिल जाएगा हमें। यार रोड जर्नी जो है ना वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना सीनिक है, बिल्कुल ग्रीन दोनों साइड से और बिल्कुल ही अच्छे रास्ते, और गाड़ी नो डाउट है ही ज़बरदस्त। ये कुछ ग्लिम्स हैं सॉन्ग करण फेस्टिवल के, उल्टी नहीं गया इसी ने। बेसिकली द गेटवे ऑफ फुकेत, और हम पहुंच चुके हैं फुकेत में, एंटर कर चुके हैं। तो अभी ये फुकेत एंटर करते के साथ ही हमें टाइगर किंगडम बगल में ही था, और उसके साथ ही ये गो कार्टिंग का ट्रैक मिला है। ट्रैक काफ़ी अच्छा था, देख करके लगा कि शायद करना चाहिए। तो एक बार चेक कर रहे हैं कि क्या प्राइस है, अगर ओवर प्राइस नहीं होगा तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट जिसे बोलते हैं टाइगर किंगडम। अभी एक बार जाके चेक कर रहे हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। मुझे वैसे वीडियोस में देख करके ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है, बट फिर भी देखते हैं, अगर चेक करते हैं, सबको पसंद आया तो ज़रूर करेंगे, एक अलग एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली। तो फाइनली इतना ट्रैफिक लगा पड़ा है 600 मीटर के डिस्टेंस के लिए, हम तब से ट्रैफिक में फंसे पड़े थे, हम निकल चुके हैं पैदल।
भीगने के लिए रेडी हो जाओ, हर कोई पानी मारने को रेडी है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? हाँ, मजेदार। ग्रेट फेस्टिवल, वी डेफिनेटली लाइक इट। वाव, टू गुड। आशुतोष नेगी। फोर रूम्स। द अदर पीपल आर कमिंग, द लगेज इज देयर ओनली, सो वी आर नॉट हैविंग द पासपोर्ट राइट नाउ, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। So let's start the room tour. अगर इससे एक दरवाजा खुल जाए तो खुल ही नहीं, रुक जा, खुलता है। गुड, चाबी फंसा दी इसमें, चाबी फंसा पहले, ओवर एक्साइटमेंट में आ जाती है ना। Oh, we have this jacuzzi. यार बाथरूम तो मस्त है। Washroom is good. अगर दिखाऊं तो this is also good. यार रूम बढ़िया है, रूम बढ़िया है, I really like it. How's the balcony? अरे देख कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है इस पे। यहाँ पे इतनी सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है ना। टंगड़ी चाहिए, टंगड़ी 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 पे तो बात सही है। कैसा है? Your madam is very beautiful. Thank you. Thank you so much. So we have shifted to a different room. मतलब दूसरे साइड वाला रूम ले लिया है. And this room comes with a pool view. Oh my god. So we are all set and ready for Bangla Street. मस्त तैयार होकर के चलो भाई. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बांग्ला स्ट्रीट जा रहे हैं, ऊपर से आज सोंकरण फेस्टिवल है। चल यार यहाँ पे। इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, लव शॉर्टकट होगा। हैप्पी सोंकरण! यार ये मस्त एक्सपीरियंस है। पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। This is known as Bangla Street. Yeah.
फर्स्ट। आपको थाई फूड में खाना है तो फ्राइड राइस है, वेज और पास्ता है, और बैठ के देख लीजिए। नहीं थोड़ा सा ना साइड में बैठे कि वहाँ जाके देख पहले, जिधर भी बैठ सकते हो। नहीं स्मेल वाली बात है ना, एक बार देख ले रहे हैं। दिस इज चिकन सताई। इसको हम खाएंगे कैसे? ऐसे ऐसे करके। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। कैसे खाएंगे? क्या कबाब है? खाते रहे आगे बता कैसा है। अच्छा नहीं है जो भी है ये। अच्छा फर्स्ट डे भी हमने फुकेत में बिताया था, बट हम एक बार भी पटोंग बीच पे नहीं आ पाए थे। अभी लेट नाइट, यहाँ पे इतना मस्त क्राउड है और इतना हैपनिंग सा सिस्टम हो रखा है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।